1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, इब्रानी हिब्रियोस 4 chapter 14 verse से 5 chapter 1 verse से 10 verse तक, जेरेमिया 44 chapter 45 chapter 46 chapter 47 chapter, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, हिब्रियोस इब्रानियों की पत्री 4:14 से 5:1-10 तक, यर्मिया की भविष्यवाणी 44:45-46:47। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हिब्रियोस 4 chapter 14 verse से पढ़ना शुरू करेंगे हम। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, आप हमारे विश्वास के अंदर ढाल बन जाते हो, हमारे शरीर की सुरक्षा कवच बन जाते हो, हमारे शरीरों के अंगों में ताकत बन जाते हो। आप इन वचनों के द्वारा हमारी हड्डी, नस, हमारे मांसपेशियां, हमारे शरीर के अंदरूनी हर एक हिस्सों में आप ताकत होकर आते हो। हम ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा और स्थिरता प्राप्त करता हुआ, स्थापित होता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे घर की मजबूती पवित्र आत्मा, और हमारे जीवन की मजबूती, हमारे आने वाले समय की मजबूती, हमारे रिश्तों की मजबूती, हमारे फाइनेंस की मजबूती, हमारे हर हिस्से जीवन के मजबूती जो प्राप्त करता है वो पवित्र आत्मा तू ही प्रवेश करने से होता है। और ये वचन दरवाज़ा है जिसमें से तू प्रवेश करता है। तो हमारे इन सारे हिस्सों में प्रवेश किया है और करता रहता है, और हमेशा और बारंबार हमारी मजबूती का तू ख्याल रखता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें मरम्मत करता है, हमारी मशागत करता है, तेरे वचन से तू हमें सींचता है, और हमारे अंदर तू अपनी खेती करता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के फलदायी बने और हम परमेश्वर के काम के बर्तन हो जाए। नासरी यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। हेब्रियोस 4 chapter 14 verse से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर 5 chapter 1 verse से 10 verse तक पढ़ते जाएंगे किंग्स जेम्स वर्शन में। Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Chapter 5 of the priesthood of Christ. For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way? For that he himself also is compassed with infirmity, and by reason thereof he ought, as for the people, so also for himself, to offer for sins. And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee, as he saith also in another place, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying,
and tears unto him that was able to save him from death, and was hurt in that he feared. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him, called of God and high priest after the order of Melchizedek. इब्रानियों के पत्री 4:15 से हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, फिर 5:1-10 तक पढ़ते जाएंगे। 14 से पढ़ेंगे, बड़ा महायाजक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, हालेलुया, ये महान सामर्थ्य अभिषेक का समय हमने पकड़ लेना है। वह स्वर्गों से होकर गया है, यानी कि हम जो दुष्ट आत्मा का आकाश मंडल हम देखते हैं ऊपर, हमारे सिर के ऊपर जो आकाश हम देखते हैं वो आकाश मंडल है, उसके ऊपर कुछ स्वर्गों के लेवल से, स्वर्गों के लेवल्स के अंदर दुष्ट आत्माओं के प्रधानता है, यानी उनके पावर्स के ठिकाने हैं। महानद, महासागर, ये उनके पावर्स छुपने के ठिकाने हैं, और दूसरे जो है वो स्वर्गों में है, जो हमको वहाँ से पहुँचने नहीं देते हैं मरने के बाद में, समझ में आया, जिसके अंदर से होकर हमको जाना चाहिए परमेश्वर के तक, वो हमको जाने नहीं देते हैं, वो हमको बीच में अटका देते हैं और बोलते हैं जो भी प्रधानताएँ रहेगी उनकी, जिसके कारण हमने कुछ उनका लिया होगा, रखा होगा, और हम उनका माना होगा, और उनको हम धोखा नहीं दे सकते हैं, वहाँ से हमको पास होना है ना, तो वो एरिया ऑफ लाइफ के लिए हमारा जीवन स्वच्छ और शुद्ध रहना ज़रूरी है, जो अशुद्धता में नहीं है। ये सारे शैतान के प्रधानताएं पावर्स जो रहते हैं वो उस स्वर्गों के स्थान में बैठे हुए हैं, और वो अपनी अपनी जगह से रास्ते में आड़े आकर खड़े हैं, वो आकर आपको अटकाने के लिए रुके हैं। लेकिन जब आप प्रभु यीशु में आ जाते हैं ना, तो आपके लिए फिर उस एरिया में से जाने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ महायाजक यीशु मसीह वहाँ से क्रॉस होके चला गया है, इसकी वजह से वो रास्ता आपको अभी कोई अटकाएगा नहीं। जैसे ही आप बोलेंगे यीशु नासरी के नाम में मेरे रास्ते से तू हट जा, तो आपने किसका उपयोग किया, जो बड़ा महायाजक उस रास्ते से चला हुआ गया है, उस रास्ते को आपने इस्तेमाल करने का चाबी लगा दिया, समझ में आया। अगर आप यीशु नासरी का नाम यूज़ नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो भले ही आप मसीह हो और आप लगातार प्रार्थना करते रहो फाइनेंस के लिए, चंगाई के लिए, और चाहे दुनिया की कोई भी परिस्थिति जो आप बदलते हुए देखना चाहते, लेकिन वो रास्ता सिर्फ केवल और केवल हमारा बड़ा महायाजक जो प्रभु यीशु मसीह है, सिर्फ उसी के नाम के द्वारा उस रास्ते से हमको पास होने का अधिकार है, समझ में आया। आड़े आने वाला हर प्रधानता, शैतान की कुवतें, जितनी ताकतें हैं उसको, वो हमको अटकाने के लिए है, नहीं तेरी प्रार्थना आगे नहीं जाएगी, नहीं तेरा फाइनेंस रिलीज नहीं होगा, नहीं तो परमेश्वर से आया हुआ ये तेरे लिए काम जो है वो तू प्राप्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि तू हमारी ओर से, तू हमारे अशुद्धता में तू शामिल है, तू हमारे साथ संगति में शामिल है, ऐसा बोलकर वो बीच में खड़े रहते हैं। तो वो समय को आपने कैसा फाइट करना पड़ता है, यीशु नासरी का नाम लेकर आपने फाइट करना पड़ता है और कमांड करना पड़ता है, हमारे रास्ते खुल जाए नासरी यीशु के नाम में, स्वर्गों में से हमारे रास्ते खुल जाए नासरी यीशु के नाम में, और फिर आप अपने फाइनेंस के प्रेयर, चंगाई के प्रेयर रिलीज करना स्टार्ट कर दो। आपका महायाजक जिम्मेदार बनता है आपकी सेवा को ग्रहण करने के लिए,
ओके, वो परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थनाओं को पेश कर देता है। और आप यीशु मसीह नासरी का नाम लेकर आप जब प्रार्थना लगाते हो तो उस स्वर्ग में से जो स्वर्गदूतों का आना जाना है, वो स्वर्गदूत केवल नासरी यीशु मसीह का नाम आप पुकार रहे हो प्रार्थना में, ये कारण से रिलीज हो जाते हैं। स्वर्गों को चीर कर आपके प्रार्थना को लेकर वो चले जाते हैं परमेश्वर तक, परमेश्वर से जवाबों को लेकर आते हैं आप तक। समझ में आया? तो अगर आपने इस नाम का इस्तेमाल नहीं किया, मूर्खता है आप मसीह में होना, मूर्खता है। समझ में आया? क्योंकि मसीह होना इसका मतलब ही ये है कि आत्मा के जगत की हर रुकावट को पैरों तले रौंद देना, इसको मसीह कहते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे पैरों के चौकी बनाकर लेकर आऊंगा, सारे दुष्ट आत्माओं को तेरे पैरों के चौकी के नीचे रखा जाएगा। समझ में आया? तो अब ये काम करने के लिए हमको ठहराया है, जैसा परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं कैसा सृष्टि किया परमेश्वर ने शब्दों को बोलते बोलते, वैसा अभी हमने जो बेलगाम घूम रहे दुष्ट आत्माएं हैं, जो अलग अलग प्रकार से दुष्टता बढ़ा रहे हैं हमारे परिवार में, लोगों में, जीवनों में, हमने उनको पकड़ पकड़ कर यीशु मसीह के नाम के अधीन कर देना है, पैरों के नीचे उसके डाल देना है, यीशु मसीह के पैरों के नीचे उसको डाल देना है और उसको कमांड करना है कि तू मेरे फाइनेंस पे अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकता है, तू हमारे शरीर के ऊपर अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकता है, तू हमारा पीछा नहीं कर सकता है, तू हमारे परिवार का पीछा नहीं कर सकता है, तू हमारे प्रार्थनाओं का पीछा नहीं कर सकता है, तू हमारे कोई भी हिस्से जीवन के हो उसका पीछा नहीं कर सकता है। हर एक मसीह को ये करना जरूरी है नासरी यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हुए, तब जाकर आप परमेश्वर के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुमको अब मैंने ये काम दिया है, सारी शक्तियों को तुम्हारे पैरों के नीचे लेकर आ जाओ, यीशु के पैरों के नीचे लेकर आ जाओ, ओके, सारे शक्तियों के ऊपर पाँव रख के रौंद दो उसको, हाँ कुचल दो उसको, लताड़ो उसको, ऐसा कहा है। लताड़ना ये कोई इज्जत वाली बात नहीं है, ये बेइज्जती की बात है, लताड़ा जाना, शैतान को लताड़ो, ऐसा कहा है। समझ में आया? तो पैरों के नीचे बेइज्जती की जगह होती है, कभी भी याद रखना, शैतानी चलाकियां पैरों के नीचे रौंदते हैं तो वो उसकी बेइज्जती आत्मा के जगत में स्वर्गदूत उनको पैरों के नीचे रौंद रहे होते हैं। समझ में आया? तो आप अगर इस तरह से परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो फिर आपका मसीही रहना लाभदायी नहीं होता है परमेश्वर के लिए, ठीक है, ओके। हम देखिए आगे का क्या लिखा है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, ओके। तो हमको इसीलिए विश्वास में ढीला कर दिया जाता है, शैतान झूठ बोल बोलकर हमारे विश्वास को हिला देता है, हमारे रास्ते दूसरे विश्वास करने के रास्ते पर लेकर जाता है, यानी कुछ अलग चीज़ें हमको अच्छी लगने लगती है, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो ये क्यों वो चाहता है? ताकि वो आपके अंदर का परमेश्वर का जो काम है उसको शैतान को रौंद देने का वो आप कर ना पाए। समझ में आया? तो इसके लिए हमको विश्वास के अंगीकार को मजबूती से पकड़ के रखना है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आपकी ज़रूरत क्या है आज के समय में? किस बात का डर, चिंता, सताव आपके ऊपर हो रहा है? कौन सी बीमारी आपके सामने सिर ऊंचा करके आपको डरा रही है? कौन सा भविष्य का आने वाला समय आपको चिंतित कर रहा है? ये सारी आपकी आवश्यकता है, ओके? इस आवश्यकता के समय को निपटने के लिए आपको जरूरी है आत्मा के अंदर से परमेश्वर कुछ तो हलचल करे। हालेलुया, जो देखी हुई चीजें हैं वो हर एक चीज के ऊपर आपकी आवश्यकताएं जो है उसके लिए आपको सहायता की जरूरत है।
कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना है, आपको आवश्यकता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, सहायता चाहिए, ओके कुछ चाहिए आपको, आपको आवश्यकता है, आपको सहायता चाहिए, हालेलुया। तो आप कहाँ पर जाएंगे इस सहायता को ढूंढने के लिए? हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, हालेलुया। ये एक एरिया सीक्रेट है, ओके इस जगह से आपको अपने जीवन के हर मसले को सुलझाना आपकी जिम्मेदारी बनाकर लेना है, आप लाचार नहीं बने रहना है। इसके लिए ये 16 वचन को ध्यान रखो और 14 वचन को ध्यान रखो। आप नासरी यीशु का नाम लेकर जब आपकी आवश्यकताओं का प्रस्ताव परमेश्वर के सामने लाते हो, खत्म हो गई बात, उसको पूरा होना ही होना है, हालेलुया। कितना गारंटेड है मेरा खुदा, कितना गारंटेड है। किसको सुनेंगे आप, किसकी मानेंगे आप? ये वचन की नहीं मानोगे तो और कोई आशा नहीं है आपके लिए, कोई सहायता नहीं है। हाँ, ढिंढोरे पीटो, दुनिया भर के ताकतें दिखा लो, कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पर नासरी यीशु का नाम आ जाता है, सब कुछ यीशु के पैरों के नीचे चला जाता है, हालेलुया। देखो पांच वचन क्या है, क्योंकि पांच अध्याय का पहले वचन से देखो, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता था पुराने नियम में, ठीक है, ये महायाजक चुन लिया गया, ठीक है। अब चुन लेने के बाद में उसको किसके लिए ठहराया जाता है मालूम है? दूसरे मनुष्यों के लिए ठहराया जाता है, समझ में आया? तो महायाजक होने का अर्थ क्या बनता है? आप क्यों याजक है? आपको याजक के समाज का बोला गया है, याजक समाज, यानी लेवी को याजक समाज कहा जाता था पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था जो परमेश्वर की थी। अब आपको देखिए महायाजक, याजक एक स्तर है, महायाजक के नीचे वाला पोजीशन है, ओके। आपका महायाजक जो है सिर्फ वो ही अति पवित्र स्थान में जा सकता था, ओके अब महायाजक का स्थान ले लिया है प्रभु यीशु मसीह ने, तो अति पवित्र स्थान में मौजूद है महायाजक, समझ में आया? अब आपके लिए देखो क्या है यहाँ पर, क्यों ठहराया गया है यीशु मसीह को महायाजक? क्योंकि वो आपके लिए परमेश्वर के सामने संबंधित, परमेश्वर से संबंधित विषयों को लेकर, ओके मनुष्यों के लिए, ओके जो भेंट चढ़ाना होता है, जो पाप का बलिदान चढ़ाना होता है, उस महायाजक ने उस काम को पूरा कर दिया, हालेलुया, ओके। तो ये बात एकदम निश्चित है कि अब आपके पाप खत्म हो चुके हैं, तो निश्चित है आपको परमेश्वर की ओर से तो भलाइयां, करुणा, दया, अनुग्रह, आशीषें, बरकतें आपकी जिम्मेदारी के साथ आपको मिलता जाएगा, समझ में आया? जितना आवश्यक है सब कुछ आपके सहायता में उपलब्ध रहेगा, जैसे ही आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए परमेश्वर को भेंट दे दिया है और पाप का बलिदान चढ़ा चुका है, अब मेरे पाप की माफ़ी हो चुकी है, मेरे भेंट जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बिहाफ पर मेरे तरफ से भेंट चढ़ाया है कबूल हो चुका है, आमीन। अब हियाव है मुझे कि मेरे प्रार्थना के जवाब निश्चित है, हालेलुया। देखिए दो वचन क्या कहता है, वह बेखटके, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, बेखटके नहीं यहाँ पर भूले भटके ऐसा है, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ, अज्ञान, हम लोग इतना जानकारी नहीं है हमारे पास परमेश्वर क्या है, कैसा है, कितना है, कहाँ तक है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा जितना हमारे अंदर उस भेद के अंदर से समझाता है उतना ही हमको मालूम है, संपूर्णता सिर्फ यीशु मसीह को मालूम है, ओके। तो इसके कारण हम अज्ञानता के कारण नाश हो जाते हैं, हाँ, अब हमारी इस कमज़ोर अवस्था में हम भूले भटके हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है,
हालेलुया, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। हालेलुया, तो अगर आप अज्ञानता के कारण अपने विश्वास में से निकल गए, कुछ और बातों में चले गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, नासरी यीशु के नाम को पुकारो, बस हो गया। अब क्यों वो आपकी सुनेगा? क्योंकि आपके लिए वो नरमी के साथ आपकी सहायता के लिए रुका हुआ है, नम्रता के साथ वो आपकी मदद के लिए रुका हुआ है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। वह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, हाँ, उस आदर के पद को कोई अपने आप से नहीं ले सकता है। ये सब व्यवस्था जो है ये हमारे पुरानी व्यवस्था के आधार पर लिखा गया बताया जा रहा है, ओके। जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए, तो पुरानी व्यवस्था में हारून महायाजक के पद को लिया हुआ था, ओके? वो खुद मनुष्य था और मनुष्य की कमजोर अवस्था उसके अंदर भी रह रही थी, उसके बावजूद वो दूसरे मनुष्यों के लिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता था और परमेश्वर को पाप बलिदान दिया करता था, जो परमेश्वर उसके हाथों से दिया गया है तब भी स्वीकारता था, नहीं तो नहीं स्वीकारेगा। वो कोई भी ऐरा गहरा जाएगा तो परमेश्वर उसके दंड को देगा ही देगा, वो पाप माफ नहीं होता था, उसकी कोई सहायता नहीं होती थी, ओके? तो सिर्फ हारून था वो वैसा काम करके वहां तक जा सकता था। हालेलुया, इसके लिए या महायाजक नरमी से व्यवहार करता था, क्योंकि वो खुद भी अपने लिए पाप का बलिदान चढ़ाया करता था। हालेलुया, ओके, कितना प्यारा परमेश्वर है। हम भी देखो दूसरों के लिए प्रार्थना करते, लेकिन हम खुद के लिए भी परमेश्वर से विनती करते, ओ खुदा ये है खुदा, अब क्या करें, तेरी ओर से जो हो सकता है मेरी ओर अपने ध्यान को बढ़ा, अनुग्रह कर, इस पाप इस अशुद्धता में से मुझे छुड़ा, इस बातों में से मुझे छुड़ा। अब ये हो गया हमारे खुद का अंदर से हमारी खुद की जांच पड़ताल, लेकिन साथ साथ हम औरों के लिए भी परमेश्वर के लिए सामने विनतियों को रख रहे होते हैं। हालेलुया, ये काम है याजकों का, ठीक है? और महायाजक का काम क्या है वो यहाँ वर्णन किया है। अब पांच वचन से देखिए क्या लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसेदिक की रीति पर सदा के लिए याजक है। हालेलुया, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, ये यीशु मसीह का निर्बल अवस्था का वर्णन बताया, मनुष्य के अवस्था में जब वो था वो खुद भी नरमी से बर्ताव किया सबके साथ, और परमेश्वर के सामने खुद के लिए भी मांगता रहा। और ये पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है, पवित्र आत्मा ये सीक्रेट बता रहा है यीशु के बारे में, वो खुद के लिए भी शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर से परमेश्वर जो करता है वो महान रीति से आपकी प्रार्थनाओं और विनतियों को सुनने के लिए करता है। हालेलुया, आठ वचन देखिए, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। हालेलुया, देखिए यहाँ पर पांच वचन से, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की पढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी
उसको मृत्यु से बचा सकता था। प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसेदिक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया, कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा। आमीन। देखिए, इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए महायाजक का रास्ता रखा है। वो खुद की अपनी कमज़ोर अवस्था में भी विनती करता रहा। अपने कमज़ोर अवस्था का वर्णन वो परमेश्वर से करता रहा क्योंकि वो मनुष्य के शरीर के अनुसार था। हालेलुया, मनुष्य के शरीर के अनुसार रहते रहते उसने अपने जीवन के आने वाला समय को देख देख कर रोता रहा। ये सीक्रेट था परमेश्वर का, आत्मा बता रहा है हमको। ओके, वो किसी के सामने आंसू नहीं बहाया था, वो किसी के सामने रो रो कर प्रार्थना नहीं किया था। परमेश्वर का आत्मा ने उसके साथ बैठकर जो देखा वही उसने परमेश्वर की बातों का वर्णन इस पुस्तक में करके दे दिया। हाँ, लिखा गया। ओके, तो महायाजक नरमाई से बर्ताव करने वाला महायाजक हमारे साथ है। वो आपके कोई गुनाह, कोई गलती, कोई भी चीज़ों में नरमी से पेश आकर आपको सुधार देता है। आमीन। और ये इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास वो अधिकार है, वो पद है कि वो दूसरे मनुष्यों के लिए भी परमेश्वर के सामने विनती करने के लिए ठहराया गया है। हाँ, भेंट चढ़ाने के लिए ठहराया गया है, पाप बलिदानों के लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ वो महायाजक होकर आपके लिए परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा चुका है सब कुछ जो चढ़ाना जरूरी था। आमीन। कोई खतरा नहीं, कोई मुश्किल नहीं, परमेश्वर हमारी ओर से है अभी। आमीन। अगर हम यीशु मसीह के नाम में पानी के डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिए हैं, यीशु मसीह के नाम में उद्धार को हमने ग्रहण कर लिया है और अब पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को भी सीखते हुए वचन के अनुसार हम जी रहे। बात खत्म कर दो, कोई मुश्किल आपका सामना करता नहीं रुक सकता है। मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ, इतनी बड़ी गारंटी मैं आपको दे देती हूँ, जो भी आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहेगा परमेश्वर उसका पीछा करेगा। ओके, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कष्ट हो, चाहे फेलियर्स हो, चाहे जो नाम लो, ओके, परमेश्वर भी फिर उसके पीछे लग जाएगा और लग जाएगा तो हाथ धो के उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा परमेश्वर। ओके, क्योंकि मेरा खुदा है वो परमेश्वर है। दुष्टता को वो नरमाई से नहीं, ओके, सीधाई का रास्ता दिखाने के लिए दुष्टता के साथ कड़ा व्यवहार करता है परमेश्वर। ओके, लेकिन जो पश्चाताप हृदय लेकर आता है उनके सम्मुख वो निर्बल मनुष्य है, जानता है और नरमी से व्यवहार करता है। हालेलुया। तो लोग इसके लिए दुष्टता करते समय कैसे रहते, कड़ी गर्दन रहती है ना, लोहे की गर्दन है ना, टूटना नहीं चाहती है। बस हम तो हम हैं, बस छोड़ेंगे नहीं इसको। हाँ, मत छोड़ो, खुदा जानता है छुड़वाना कैसा है। हालेलुया। तो मूर्खता किसकी बनती है, जो दुष्टता में आड़े के खड़े रहते हैं। हालेलुया। तो वो टेढ़े के मेढ़े कर दिए जाते हैं। आमीन। ओके, स्वर्गदूत का वचन परमेश्वर ने कैसे लिख के दिया है हमको स्वर्गदूत के बारे में, स्वर्गदूत आगे भेज दिया है तेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने के लिए। हाँ, ये टेढ़े मेढ़े कौन है, जो दुष्टता के जगत के टेढ़े हैं और मेढ़े हैं। ओके, तो सीधा करने का काम कौन करेगा, स्वर्गदूत जाके करेगा। आप और मैं करना है क्या, बिल्कुल नहीं। आराम से चाय की प्याली लो, आराम से चाय पियो, नाश्ता करो, आराम करो, खाना खाओ, आराम से सेहत के अंदर परमेश्वर के भले कामों को याद करते रहो। ओके, ये हमारा काम है। दुष्टों से निपटने का काम आप प्रार्थना कर चुके हैं,
परमेश्वर के स्वर्गदूत निकल आए हैं। हालेलुया। और जब टेढ़े के आड़े के मेढ़े के सब होने लगते हैं तब आपको खबरें मिलती रहेगी। हालेलुया। तो इसके लिए आप चिंता नहीं करना है कोई बीमारी के बारे में, कोई भी रिपोर्ट्स के बारे में, जो भी आपका हेल्थ रिपोर्ट्स आपको मिलता है कहीं पर भी कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जो कुछ भी है आपका महायाजक संभालने के लिए मजबूत है। हालेलुया। तो यही शैतानी जगत में याजक पद और महायाजक बनने के लिए लोग तपस्याएं करते हैं। कुछ कुछ शक्तियों के बहुत ज़्यादा मात्रा में वो अपने अंदर से बलिदानों को देते हैं, अपने अंदर से वो जो कहेंगे वो करते हैं और वो महायाजक तक पहुंचते हैं, वो ताकत तक पहुंचते हैं जो शैतान उनका सुनता है और शैतान याजकों का भी सुनता है। ये दुष्ट जगत के अंदर, शैतान के राज्य के अंदर भी चल रहा है ये सब बातें। वो कॉपीकैट है परमेश्वर का। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर जो व्यवस्था रखा है उसका कॉपी करके वो अपना राज्य बना रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला मैं तेरे समान सिंहासन तेरे ऊपर चढ़ा के बैठने वाला हूँ। ओके, और उसको ऊपर तो छोड़ दो, नीचे भी ज़मीन पर भी उसको ज़मीन नहीं रही है, वो सब अधांतरी घूमता फिरता रहता है, है ना। अय्यूब की किताब में लिखा ना, क्या लिखा था वहाँ पर, ये परमेश्वर ने पूछा कहाँ से आया तू, वो कहता है मैं घूम घाम कर आया हूँ, पृथ्वी के चक्कर लगा कर आया हूँ। समझ में आया। तो उसको कहीं जगह नहीं है, परमेश्वर ऊपर बैठने का तो दूर की बात है, नीचे उसको जमीन पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं रखी है। हालेलुया। इतना बेसहारा है वो, ऐसे धूल के समान परमेश्वर ने उसको भूसे के समान उड़ा दिया है। हाँ, तो उनकी ताकतें हैं, लेकिन वो ताकतों में लोग मनुष्य जाति क्या करती है, महायाजक बनने के लिए जाती है। उनके ताकतों में याजक बनने के लिए जाती है, क्योंकि आपने अभी यीशु मसीह का महायाजक होना और हारून जो महायाजक था उसका पोजीशन का वर्णन देखा कि कैसा परमेश्वर के सामने उनका पोजीशन काम करता है। हाँ, वैसा ही शैतान के सामने, शैतानी लोगों के अंदर भी याजक और महायाजक जब शैतान के सामने जाते हैं तो काम हो जाता है। समझ में आया। इसके लिए वो काम हो जाता है, फिर आपकी तरफ वो जब आते हैं तो आपको उनकी दबाव में पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपके ऊपर दबाव रखने की उनके पास अब कुछ ना कुछ शक्तियां मौजूद हैं। हालेलुया। तो आप प्रभु यीशु में अगर है, मनुष्य जाति में अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि आपका महायाजक फाइट करता है उनके महायाजकों से जो शैतान की ओर से आते हैं। हालेलुया। आपके परमेश्वर के स्वर्ग की सेना निकल पड़ती है आड़े के टेढ़े कर देने के लिए और सीधाई के रास्ते में मनुष्यों को लेकर आने के लिए। समझ में आया। तो आप उनके प्रभुता के नीचे नहीं हो, तो आपको उनके शक्ति के महायाजक जो है उससे आपको लेन देन नहीं है। उनके हकीमों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, उनके याजकों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। वो भले दुनिया के सारी ताकतों के महारथी हो, वी डोंट केयर, आमीन, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है उन जवाब है। हालेलुया, वो जवाब है। आमीन। क्या बोला है, स्वर्गों से होकर गया है। हालेलुया, है ना। क्या इब्रानियों की पत्री 4:14 में क्या लिखा, स्वर्गों से होकर गया है। हाँ, नहीं जाने दे रहे थे ना ये महारथी, है ना, स्वर्गों से। अब मेरा खुदा का महायाजक चला गया है। कौन जगत के अंदर है जो आपको रोक पाएगा, जब आपका महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी, यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। अब मैं भी अपने घुटने टेक देती हूँ और मैं भी कबूल करती हूँ अपने हाथों को उठाकर, प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, मेरा उद्धार करता, मेरे लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ महायाजक, मेरी बिनतियों को स्वर्गों में से पार होने का रास्ता देने वाला और मेरे सारे बिनती प्रार्थनाओं के जवाबों को मुझ तक पहुंचाने वाला, मेरे अंदर रुकने के लिए दिया गया पवित्र आत्मा मुझ में से बिनतियों को पेश करता है ताकि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। इतना सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं अपने घुटनों के बल हाथ उठाकर
परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और कबूल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन के लिए हमें तैयार कर रहा है, दोबारा उसके आगमन में हमें ले जाने के इंतज़ार में हम अपने आप को यीशु मसीह के इंतज़ार में रखे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन। पवित्र आत्मा हमारी तो सहायता कर रहा है, वचनों के अंदर हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है, हमारी रचना ईश्वरीयता में ला रहा है, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में ला रहा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन।